नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अजमेर बांद्रा ट्रेन की एक बोगी के ब्रेक शू में रविवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना और धुआं उड़ता देखकर किशनगढ़ में जब ट्रेन में सवार पैसेंजर तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकले तो और अफरा तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 51 गेंद पर नाबाद 112 रन बनाए। भारत ने उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका को 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 91 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। जोशीमठ के 1.5 किलोमीटर भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। भूधंसाव का अध्ययन करके आई विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। बिगड़ते हालात के बीच पीएमओ कार्यालय ने अहम बैठक बुलाई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बार फिर गैंगवार की वारदात हुई है। इलाके के हिस्ट्री शीटर विजय मीणा के देर रात रणथंभौर रोड पर गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में जयपुर के SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। उर्फी जावेद हमेशा से ही अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती है। इसी के चलते वह आज सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। उनकी हर एक वीडियो और तस्वीर शेयर होते ही तेजी से वायरल होती है। इसके अलावा वह अपने बेबाक और बिंदास अंदाज से भी खूब सुर्खियां बटोरती है। अब हाल ही में उर्फी ने बॉलीवुड का जाने माने राइटर जावेद अख्तर के साथ तस्वीर साझा की है और उसके साथ लिखा कि आखिरकार आज वह अपने दादाजी से मिली। गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज नगर में आयोजित एक दीक्षा समारोह में बाप्स स्वामी नारायण संस्था के महंत स्वामी महाराज ने 46 युवाओं को संन्यास जीवन में दीक्षित किया। इनमें एक IIM उदयपुर के पूर्व छात्र ने भी सन्यासी बनने के लिए महंत स्वामी महाराज से प्रसादी दीक्षा ग्रहण की। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में शनिवार रात 2 मंजिला इमारत में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। लगभग 3 घंटे बाद की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मौके पर कूलिंग प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। सपा कार्यकर्ता व ट्विटर एडमिन की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और वहीं बैठ गए। जब उन्हें अधिकारियों ने चाय ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश ने कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, कहीं जहर मिला दिया तो। चीन में रहने वाली ची चियाओ पाई हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सीता रानी बन चुकी है। वह नियमित रूप से कृष्ण भक्ति करती है, मंदिर जाती है और भारतीय सनातन संस्कृति और पद्धतियों को फॉलो करती है। पाकिस्तान में आए दिन आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि भुखमरी की नौबत आ गई है। बताया जा रहा है कि करीब आधे पाकिस्तानी परिवारों को 2 जून की रोटी पर आफत आ गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक गेहूं की कीमत 5,000 रुपए प्रति मन पर पहुंचने के साथ रावलपिंडी के खुले बाजार में आटा की दर 150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।